देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के साथ साथ आज संपूर्ण भारत वर्ष में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जनपद में जहां एक और सभी सरकारी विभागों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय गान गाया गया, तो वहीं दूसरी ओर इस्लामिक मदरसों में भी गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आजादी के पर्व गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाई गई। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वत्स की रिपोर्ट। मदरसे के अंदर 26 जनवरी का प्रोग्राम सेलिब्रेट किया गया। हमारे मदरसे का नाम मदरसा इस्लामिया अरबिया बहरुल उलूम किशनपुर में है और इसके प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद आकिल साहिब हैं। तो हमारे पर यहाँ पहले ध्वजारोहण किया गया, आप देख सकते हैं सामने झंडा है, झंडा फहराया है हमारे प्रधान जी ने। उसके बाद हमारे यहाँ राष्ट्रीय गान गाया गया है और उसके बाद जो दूसरे प्रोग्राम्स है रिपब्लिक डे के वो हम कर रहे हैं। मदरसों में 26 जनवरी मनाया जाता है। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ कराया है हमने और हमारा संविधान हमारे ऊपर लागू हुआ है इस दिन, तो ये हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं और सारे मदरसे सेलिब्रेट करते हैं। अगर कोई नहीं करता है तो वो गलत है। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद जाहिद उस्ताद मदरसा महमूदिया सरवट मदरसा। मदरसा उमर बिन खत्ताब है और ये यौम जम्हूरिया 26 जनवरी के मौके पर 69वां यौम जम्हूरिया है, उसको बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह सब बच्चे अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं और हर एक बच्चे के चेहरे पर खुशी है। यहाँ पर जितने मुसलमान और जितने लोग यहाँ पर जमा हैं वो हर एक बहुत खुश है। और ये खुशी वैसे ही नहीं है बल्कि यौम जम्हूरिया जो मनाया जाता है वो इसलिए, चूँकि यौम जम्हूरिया के मौके पर यानी 26 जनवरी के मौके पर सन 1950 में हमारा मुल्क जम्हूरी जो दस्तूर है वो नाफिज हुआ था। देख रही है क्राइम स्टोरी।